बहुत सारे बच्चों को तो मैं बताऊँ आपको कि ऐसी गलतफहमी होती है कि सर तो बचपन से ही जीनियस रहे होंगे, सर ने तो अपने स्कूल के मैथ्स के टीचर्स को भी कई सारे प्रॉब्लम्स करके दिखाए होंगे। 8, 9, 10 में जैसा फिसड्डी था वैसा का वैसा ही रहा। मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मेरे को एक दिन जोरदार कस के थप्पड़ मारा। उनकी नज़रों में रिस्पेक्ट पाने के लिए मैंने एफर्ट पुट करने शुरू किए। तो मेरे एक सीनियर ने मेरे से बोला, समथिंग ग्रेट इज गोइंग ऑन इन कोटा, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है कोटा में क्योंकि दे आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग टॉप रैंक्स। तो जब मैंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, हेलो, मैं हूं मनोज चौहान, आपका फेवरेट मैथ्स का टीचर और स्टार एडुकेटर। कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा, किस तरह से मैंने ये कामयाबी हासिल करी, आपके साथ शेयर करूंगा। और मैथ्स जो कि रातों की नींद उड़ा देने वाला सब्जेक्ट है, उस पर कैसे मैंने बच्चों को हंसा के लोटपोट किया है, इसके बारे में कई मजेदार बातें आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों को तो मैं बताऊं आपको कि ऐसी गलतफहमी होती है कि सर तो बचपन से ही जीनियस रहे होंगे, सर ने तो अपने स्कूल के मैथ्स के टीचर्स को भी कई सारे प्रॉब्लम्स करके दिखाए होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट था। येस, ग्रेजुअली आई इम्प्रूव्ड, ग्रेजुअली मेरा ध्यान जो है पढ़ाई की ओर बढ़ा, पर ज़्यादातर मेरा जो बचपन है, जहाँ तक मुझे याद है, वो पतंग उड़ाने के अंदर और घर के बाहर क्रिकेट खेलने में या क्रिकेट के जो क्लब्स हैं उनको उनमें पार्टिसिपेट करने में और उन मैचेस में बल्लेबाजी करने में, गेंदबाजी करने में ही गुजरा है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई एकदम से फिर एकदम से खेलकूद से एकदम से वहाँ पढ़ाई की तरफ कैसे चला गया। तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ टीचर्स ने मेरा मनोबल बढ़ाया। और आप जानती हैं कि टीचर्स जब इंस्पायर करते हैं तो उनको डिसअपॉइंट करना, आई थिंक, वो सबसे बड़ा अपराध है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे साथ भी मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मेरे को एक दिन जोरदार कस के थप्पड़ मारा। गलती मेरी यही थी बस कि मैं गलत टाइप के बच्चों के साथ बैठा हुआ था, बाकी उस दिन मैं शोर नहीं मचा रहा था। तो उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आई, जबकि वो सर मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। मैंने कहा जब सर मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आते हैं, सर ने मेरे को ज़बरदस्ती थप्पड़ मार दिया। तो उस दिन मैंने ये ठान लिया कि मुझे अपने टीचर्स के सामने जो इमेज रखनी है वो ये नहीं है कि ये बच्चा ज़्यादा बातें करता है या ज़्यादा खेलकूद करता है, बदमाश बच्चा है, बदमाश बच्चों के साथ घूमता है। मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि मुझे दोबारा सर से थप्पड़ नहीं खाना, ठीक है। तो उस दिन से मैंने तय किया और फिर उनकी नज़रों में रिस्पेक्ट पाने के लिए मैंने एफर्ट पुट करने शुरू किए। आई थिंक ये एक ट्रांजिशन फेज था। उससे एकदम से मेरा ध्यान जो है अकेडमिक्स की तरफ गया और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, स्पेशली 2 सब्जेक्ट्स में, एक मैथमेटिक्स और एक साइंस। बाकी सब में मैं जैसा फिसड्डी था वैसा का वैसा ही रहा। अब जो स्ट्रगल्स चालू हुए पढ़ाई में, जब मैंने ध्यान देना शुरू किया और मैं करीब 9, 10 में था, तो तब मेरे स्ट्रगल्स चालू हुए। एक्चुअली स्ट्रगल्स कहूँ या ये कहूँ कि मेरे ऊपर कुछ चीज़ें तो थोप दी गई थी और कुछ चीज़ों और उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें वो मेरे को उनमें थोड़ा इंटरेस्ट भी जाग गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि 8, 9, 10 में जब अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने निकला तो पढ़ाई करना ज़रूरी हो गया था, ठीक है। तो बिना पढ़ाई के तो नंबर आते नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा फलसफा रहा है। इमेजिन करिए आप करीब 6 से लेकर के 8 तक महेश रुबली स्कूल में हैं, पढ़ाई का ऐसा कोई मौसम खास बना नहीं है आपकी ज़िंदगी में, और एकदम से आपने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा पढ़ाई करता हूँ। आपने बुक सॉल्व करी, आपने एक्सरसाइज शीट करी, टीचर्स को होमवर्क दिखा रहे हैं, आप टाइम पर आपका हो रहा है, सब बढ़िया है, और एकदम से आप पे एक एडिशनल बर्डन और आ जाता है एकदम से। और ये गर्मी की छुट्टी से पहले की बात कर रहा हूँ, 9th की बात कर रहा हूँ, करीब अप्रैल मिड और मई का स्टार्टिंग मान लो। सारी गर्मी की छुट्टियाँ नेस्तो नाबूद होती हुई दिख रही थी। कॉमिक्स पढ़ने का कोई सीन नहीं बन पा रहा था, क्रिकेट खेलने का भी सुबह शाम का कोई सीन नहीं बन पा रहा था, जो कि मैं कई बार क्लब्स वगैरह के लिए आसपास कोई बड़ा मैदान जहाँ पर एक टीम बना के हम खेलते थे, 50 रुपये की शर्त पर मैच खेलते थे, ऐसा कोई सीन नहीं बना। खैर, तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ और बातें करते हैं। जैसे कई बार बच्चों के सवाल होते हैं कि सर आपको कैसे पता कि आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी थी, आपको कैसे पता कि आपको इंजीनियर बनना था। तो भाई उस टाइम पर 2-3 ही अपॉर्चुनिटीज़ थी 11th 12th के अंदर, जो स्ट्रीम्स थी जो थोड़ी पॉपुलर थी, रिस्पेक्टेबल थी। येस, रिस्पेक्टेबल कहना ही ठीक होगा। उस टाइम पर रिस्पेक्टेबल जो स्ट्रीम्स हुआ करती थी वो मेडिकल और आईआईटी की प्रिपरेशन वाली थी। प्लस मेरे पेरेंट्स ही बहुत इंक्लाइंड थे। अगर मान लीजिए मैं ये गुफ्तगू करता भी कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने एमपीएस स्कूल से जो बहुत रिस्पेक्टेबल स्कूल है उससे मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ और किसी नॉर्मल स्कूल के अंदर से जाकर के अपना जो आर्ट्स है वो मैं परसू करता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं स्कूल छोड़ता हूँ और उधर से मैं घर भी छोड़ना पड़ता। तो ऑब्वियस चॉइस कि इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रही है। तो चलिए बात करते हैं अपन मेरी जो जर्नी है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आईआईटी के प्रिपरेशन से लेकर के एडुकेटर बनने तक। तो मैंने क्या सीखा आईआईटी के प्रिपरेशन से, टीचर मैं कैसे बना, आईआईटी में ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, आइए उनके बारे में बताता हूँ। तो जब मैंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी आईआईटी के प्रिपरेशन से लेकर के एडुकेटर बनने तक क्या क्या सीखा है ना। ओके, तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज की मस्ती वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लीक नहीं किए जा सकते, ओके, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो जब मैं अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो जयपुर के अंदर दो नामी गिरामी मैथ्स के टीचर्स थे। जस्ट एक साल पहले जो सबसे नामी टीचर थे उन्होंने टॉप रैंक प्रोड्यूस करी थी, और सेम गोज फॉर फिजिक्स टीचर, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री टीचर। एंड तो फिर ऑब्वियस चॉइस वॉज कि ये जो सबसे पॉपुलर टीचर है उनके पास अपने को ज्वाइन करना है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया बैच फॉर, मतलब ये मान लीजिए कि बोर्ड का एग्जाम खत्म हो उससे पहले कई लोग फीस जमा करा के आ चुके थे। और सर दो बैच पढ़ाते थे, एक अपना सांगनेर एयरपोर्ट के पास में और एक अपना बापू नगर में, और मेरा घर था हवा सड़क पर। अगर कुछ लोग जयपुर के हैं तो दे विल बी एबल टू रिलेट कि बापू नगर से हवा सड़क बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हवा सड़क से सांगनेर एयरपोर्ट बहुत दूर है। सर क्लियरली टोल्ड मी कि क्योंकि बापू नगर है सिटी सेंटर, ऐसे मान लीजिए आप रामबाग के बिल्कुल पास। तो बापू नगर में जो बैच था वो पूरी तरह फुल हो गया था, वो तो डे वन को ही फुल हो गया था। तो मुझे जाना पड़ता था सांगनेर एयरपोर्ट के पास में उनके घर पे, और इट वॉज वेरी 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 टफ फॉर 2 ईयर्स। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट स्टार्टिंग से पुट करने की आदत पड़ गई थी। मेरा होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं होता था। द लेसन विच आई लर्न एंड विच प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ मी बिकमिंग अ स्टार एडुकेटर एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम इज कि आई वेंट थ्रू देम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। ये सबसे अहम रीज़न है मेरा ऑनलाइन टीचर बनने का। मेरी वो प्रॉब्लम्स थी, मेरी रैंक कॉम्प्रोमाइज हुई थी, मेरी प्रिपरेशन सफ़र कर रही थी बिकॉज ऑफ कवरिंग सो ह्यूज डिस्टेंसेज ड्यूरिंग क्लास 11th and 12th, जब स्कूल की अटेंडेंस कंपल्सरी है। आज की तारीख में बच्चा फिर भी थोड़ा सा थोड़ा कूल है क्योंकि डमी स्कूल है, सुविधाएँ। बाकी होम ट्यूशन्स वगैरह मेरे को आईआईटी में मिलने लग गए थे। मैं कई बार कई इंस्टीट्यूट्स की मैंने कॉपियाँ भी चेक करी हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट्स आईआईटी दिल्ली की बिल्डिंग के पास में ही है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था और वहाँ से भी काफ़ी हैंडसम अमाउंट मिलता था। होम ट्यूशन्स के अंदर मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला। मैं महिपालपुर में एक जेंटलमैन के यहाँ उनके बच्चों को पढ़ाने जाता था। मैंने खेल गाँव के अंदर पढ़ाया, मैंने बसंत कुंज में पढ़ाया, मैंने जियासराय कटवरिया सराय के अंदर भी कई फैमिलीज़ में होम ट्यूशन्स पढ़ाए। सभी का इतना अच्छा फीडबैक था। मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता था क्योंकि मैं आईआईटी में था, पर इतना अच्छा फीडबैक मैंने जब सुना उनसे, और जब मैं एक्चुअली जॉब सर्च कर रहा था तो जस्ट एक सीनियर ने मुझे बस बोला कि यार तूने इतना अच्छा पढ़ाया है, तेरा फीडबैक भी हम लोग सुनते थे क्योंकि मैं शेयर करता था उनके साथ कि पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर आप आइए 1 महीना और पढ़ा दीजिए, सर उसके एग्जाम पास आ रहे हैं, सो ऑन। तो मेरे एक सीनियर ने मेरे से बोला, और वो ही वॉज फ्रॉम कोटा एक्चुअली, ठीक है, वो कोटा से थे और कोटा में उन्होंने प्रिपरेशन करी थी। तो उन्होंने कहा अगर वाई डोंट यू कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, एज अ जॉब, ये टीचिंग वाला पार्ट, एंड समथिंग ग्रेट इज गोइंग ऑन इन कोटा। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है कोटा में क्योंकि दे आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग टॉप रैंक्स। सो इफ यू आर डूइंग अ सर्टेन टाइप ऑफ जॉब और उसका मक्का मदीना आपको पता है कि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सबसे हब बन रहा है, तो क्यों बन रहा है कुछ जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया वो एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कोटा जाइए अगर आपको टीचिंग में और जॉब भी करें। दोनों ही बातें बोली उन्होंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि समझाया एक तो ये एक जॉब की तरह है, इट्स अ प्रोफेशन, और आपको इस प्रोफेशन में बहुत इज्जत मिलती है और बच्चे आपकी ज़िंदगी भर रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे आपको याद रखते हैं। उसके अलावा गो टू कोटा, ठीक है, अगर करना है तो consider this opportunity and also consider Kota as your starting place या first job, ठीक है। तो मैं कोटा आया और मैंने करियर पॉइंट ज्वाइन किया। फिर जल्दी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास कि आप बंसल आ जाइए, तो मैं बंसल आ गया। उसके तुरंत बाद एक और अपॉर्चुनिटी आई कि सर आप इस इंस्टीट्यूट में आ जाइए, सर उस इंस्टीट्यूट में आ जाइए, सर इस इंस्टीट्यूट में आ जाइए। और मैंने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करी जो 5 दिन पहले ही कोटा में लैंड किए थे, ठीक है। द ओनली रीज़न वॉज कि मुझे कुछ डिफरेंट करना था, मैं भुक्तभोगी था कुछ चीज़ों का, मुझे उन चीज़ों को ठीक करना था। एंड जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तब मैंने देखा मटेरियल बनाने के लिए ऑपरेटर्स रखे, उस कंपनी के कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया टू क्रिएट ऑनलाइन कंटेंट, बेटर कंटेंट, रिड्यूस द डिस्टेंसेस। जब एक वीडियो के माध्यम से एक टीचर पढ़ा रहा है तो कैसे वो बच्चे के साथ एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी रख सकता है, उसके रिगार्डिंग मैंने मटेरियल पर इतना वर्क किया कि पीपल वर सेइंग कि सर मतलब डेडिकेशन तो यही है कि इतना अच्छा मटेरियल आपने रेडी कर रहे हैं और उसको प्रूफ रीड भी करते हैं, उसको देखते भी हैं, उसमें बार बार एरर आता है उसको भी आप ठीक करते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई IIT डेज, IIT के प्रिपरेशन डेज टू माई becoming an online educator. This was the story. I hope you liked my journey from my childhood to becoming a star educator India level. Thank you so much. I hope that you, whatever you pursue it with full dedication, 100% commitment. Best of luck. Take care. Bye bye. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.